बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या घर में बर्ड्स की पिक्चर्स लगानी चाहिए, इसका क्या पर्पस होता है और वास्तु में इसका क्या इफेक्ट होता है। बर्ड्स ऑल्सो मीन्स गोइंग अवे। घर में आती हुई चिड़िया का कोई भी नहीं पिक्चर लगाता। इट इज़ ओनली अबाउट फ्लाइंग बर्ड्स, यू नो दैट इज़ वॉट रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ, ऊँचाई छूना या उड़ के जाना या काम पर जाना। तो जब आप घर में बर्ड्स की पिक्चर लगाते हैं तो आपके बच्चे या आपके जो जो लोग काम करने में सुस्त हैं या जो काम करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढते हैं, दे गो आउट एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटीज़। जैसे पक्षी सुबह उठ के जाते हैं ना खाना खाने के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती पर भूख लगी है तो खाना मिल ही जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो यही आपके सबकॉन्शियसली आपके घर का पैटर्न क्रिएट हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज़ कि इसको कैसे लगाएं। द पिक्चर्स और द पोर्ट्रेट्स ऑफ द बर्ड्स और द स्कल्पचर्स ऑफ द बर्ड्स हैव टू बी कि वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, आपके मेन गेट की तरफ उठ के जा रहे हैं। दैट इज़ वेयर द रियल प्रोग्रेशन हैपन्स। तो जब आप घर में बर्ड्स की पिक्चर लगाएं और एक तरफ जाते हुए बर्ड्स लगाएं तो वो गेट के बाहर जाने की तरफ लगने चाहिए, उस डायरेक्शन की तरफ लगने चाहिए, ताकि घर में ना बैठे, अगर बाहर जाना है, अपॉर्चुनिटीज़ खोजनी है, नई चीज़ें करनी है, दैट इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी।